दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, द प्रेसिडेंट हमारे भारत के हैं रामनाथ कोविंद जी 20 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के ये शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 2 दिन लगातार पटना में रहेंगे। पटना हाई कोर्ट में फिजिकल की सुनवाई के हेतु 27 सितंबर से SOP जारी हो गया। हाई कोर्ट में गेट नंबर 1 से जजेस लोग आएंगे, गेट नंबर 3 से अधिवक्ता क्लर्क लोग आएंगे और साथ साथ इन लोग का थर्मल स्कैनिंग के बाद ही कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकेगा। 4 दिन फिजिकल, 1 दिन वर्चुअल। कैमूर के ADJ शिव प्रसाद शुक्ला को तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है। वहीं आपके ADJ झंझारपुर के अविनाश कुमार को न्यायिक कार्य से अलग हटा दिया गया है। इवन लॉक में अगर 7 अनलॉक 7 में 26 सितंबर से छोटे बच्चे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सब खुल जाएंगे और पहला चरण मतदान का 60% का वोटिंग हुआ। औरंगाबाद में मतदान के दौरान पुलिस पर पथराव फायरिंग होने की सूचना मिली है। सारण छपरा में अष्ट धातु के मूर्ति के चोरी की घटना से लगातार लोगों में रोष, रोड जाम। कल भी इस तरह की घटना रिवलगंज क्षेत्र में शमशान घाट सेवड़िया के पास रिपोर्टिंग हुई थी। PM मोदी जी की यात्रा से नए दौर में भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते। कटिहार के SP विकास कुमार ने कल SC ST के SHO कृत्यानंद पासवान को नशे की हालत में एक बच्ची के साथ छेड़खानी करने का आरोप में उनको जेल भेज दिया गया। और चलते चलते बताते कि UPSC के टॉपर बिहार के कटिहार के बने शुभम और 7वां रैंक उन्होंने प्राप्त किया। ये प्रवीण कुमार जो पूर्णिया के हैं। और एक और घटना के दिल्ली की कोर्ट में कल दिन दहाड़े जो कल रोहिणी कोर्ट की घटना हुई, पूरे भारतवर्ष में घटनाएं होने से हिल गया। और चलते चलते आपको 40 लाख के लोट सीधा मधुबनी में ये बाटा चौक के पास एक्सिस बैंक में जमा करने वाले के पास सीधा अपराधियों ने लूट लिया। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।